नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर है और मैं हूँ रामरूप शर्मा। और आज की जो वीडियो है वो एक बहुत बड़ी सूचना, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि अनअकैडमी लेकर आ रहा है अनअकैडमी ओलंपियंस 23rd of August 2020 को, यानी कि कमिंग संडे के लिए। ये जो अनअकैडमी ओलंपियंस है वो 8th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें जो 3 बड़े एग्जाम आपके होते हैं जो नेशनल लेवल पर भी होते हैं, जिसे जो है एनसीईआरटी कंडक्ट करती है, जिसका नाम है एनटीएससी, उसका एग्जाम होगा जो 3 बजे से 5 बजे तक होगा। दूसरा एग्जाम है पीआरएमओ, जिसका टाइम है 12 बजे से 3 बजे तक। और तीसरा जो एग्जाम है, तीसरा जो बड़ा एग्जाम है वो है एनएसईजेएस का, जो जिसका जो टाइमिंग होगा वो 9 बजे से 11 बजे तक होगा। इसके लिए मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी के साथ अगर आप जुड़ेंगे और इस बड़े एग्जाम की जो आने वाली डेट में होने वाला है उसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे, तो इसलिए मैंने इसका टाइटल रखा है ऊंची उड़ान के लिए अनअकैडमी के साथ चलें, यानी कि 100% प्रैक्टिस आप कर लें इस संडे को, कमिंग संडे को, जिसका टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूं। एनटीएससी का जो टाइमिंग है 3 बजे से 5 बजे तक है और पीआरएमओ का जो टाइमिंग है 12 बजे से 3 बजे तक है और एनएसईजेएस का जो टाइमिंग है वो 9 बजे से 11 बजे तक है। साथ के साथ आपको मैं बता दूं कि एनटीएससी में टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे, मैट पर जो क्वेश्चन होंगे वो 40 होंगे, एसएसटी पर जो क्वेश्चन होंगे वो 25 होंगे, मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे वो 15 होंगे और साइंस के जो क्वेश्चन होंगे वो 20 होंगे। सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि सही आंसर पर आपको 1 मार्क मिलेगा, गलत आंसर पर आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा, इस यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग इन एनटीएसई। दूसरा जो एग्जाम होगा वो पीआरएमओ का एग्जाम होगा, इसमें जो टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो पीआरएमओ में यहाँ पर 30 है। देखें जरा, पहले 6 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 12 मार्क्स होंगे। अगले जो 15 क्वेश्चन होंगे वो 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, वो 45 मार्क्स होंगे। और 9 क्वेश्चन जो बचे हुए होंगे वो 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल जो इसका वेटेज है वो 102 होगा। तीसरा जो एग्जाम है जिसका नाम है एनएसईजेएस, ये जो है इसका जो टोटल है वो 70 है। अब 70 किस तरीके से, ये देख लो, पहले जो 60 क्वेश्चन होंगे वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि ये समझ लीजिए टोटल जो क्वेश्चन है, टोटल जो मार्क्स है वो 180 होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि करेक्ट आंसर पर +3 मार्क्स मिलेंगे, यानी 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर रॉन्ग आंसर आपका हुआ तो -1 मार्क्स मिलेगा। और जो 10 क्वेश्चन है उसका हर एक क्वेश्चन 6 मार्क का होगा, यानी कि 60 मार्क्स का, यानी कि जो इसका टोटल है वो 240 हो जाएगा। तो ये तो रही मैंने आपको बताई मार्किंग स्कीम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइमिंग और 8th, 9th और 10th के लिए डेट आपको बिल्कुल क्लियर है ही है। अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऊंची उड़ान के लिए अनअकैडमी के साथ चलें, सिलेबस देख लें फटाफट से। एनटीएससी में मैथमेटिक्स जो है उसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का मतलब है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और नंबर थ्योरी है, नंबर थ्योरी का मतलब है रियल नंबर एंड नंबर सिस्टम है, प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस होगा। फिजिक्स का जो सिलेबस है वो मैं फटाफट से बता देना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म होगा, 10th क्लास के सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड में है। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम और कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड होगा, कुछ पोर्शन 9th क्लास का है एनसीईआरटी की बुक में, कुछ पोर्शन 10th क्लास का है। बायो का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लाइफ प्रोसेस है, हेरिडिटी है, ठीक है ना, एनवायरमेंट है, सेल है और हेल्थ एंड डिजीज है। इसके साथ साथ में जो एसएसटी का सिलेबस है वो आप लिंक से देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल वहाँ पर दी हुई है। एनएसईजेएस का सिलेबस भी आप लिंक से देख लें, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं, फिजिक्स में मोशन और केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, सेल है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, मैथमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और यहाँ पर जो है मेटल एंड नॉन मेटल, और उसके साथ में ये सब सिलेबस है, लिंक मैंने प्रॉपरली दिया हुआ है। तो इस एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जल्दी से जल्दी, और जल्दी से जल्दी क्या,
वीडियो देखने के तुरंत बाद आप एनरोल कर दें, अपने आप को रजिस्टर कर दें। टोटल जो जानकारी है आपको लिंक में भी दी हुई है, और मैं चाहूँगा कि 23 अगस्त को सभी बच्चे फुल 100% एग्ज़ाम आप देंगे। और यहाँ पर जो टाइमिंग है वो मैंने आपको बता दिया है, NSDA का टाइम बता दिया। रजिस्टर ज़रूर करें, एनरोल ज़रूर करें। नाम आपका है ओलंपियंस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बच्चों, है ना। और ये फटाफट से जाके एनरोल कर दें, 23 यानी कि आने वाले संडे को एग्जाम है। और थैंक यू वेरी मच, एंड लेट्स क्रैक इट। क्या रह गया था?